हेलो मैकेनिक फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आशा करता हूँ कि ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, ये जैसे कि देख पा रहे हो पल्सर 150 है, जो कि ये सेकेंड हैंड परचेस किया गया है। तो दो तीन दिन ही चलाया और फ्रेंड्स बैटरी भी नया लगवाया जैसे कि। और फ्रेंड्स इसमें जो दिक्कतें था, क्या दिक्कतें था इसमें, सिर्फ ओवरफ्लो हो रहा था काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, इसमें ओवरफ्लो हो रहा था। तो वो सिर्फ हम क्या किया, खोल के कार्बोरेटर वॉश किए, उसके बाद ही एक इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, ठीक है, जो कि काफ़ी देर से मैं इस पर लगा रहा, तो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं हो रहा है। जो कि क्या प्रॉब्लम है वो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर इस चैनल पे नए हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर देना और साथ ही साथ लाइक करके सपोर्ट करना फ्रेंड्स, ठीक है, और पहले से कमेंट कर देना। चलिए क्या करते हैं, अब लोगों को स्टार्ट करके सुना दूँ पहले जो कि प्रॉब्लम जो क्या प्रॉब्लम है। और हमने क्या किया, इसमें जो कि एयर फिल्टर जो है वो है नहीं था, पूरा खुला हुआ था। और हमने क्या किया, जो कि होस रबर जो है वो हमने खोल के रखा है, ठीक है, फिलहाल खोल के रखा है। चलिए क्या करते हैं, गाड़ी को एक बार स्टार्ट करते हैं फाइनली। जैसे कि देख पा रहे हो फ्रेंड्स, हमने क्या किया, स्टार्ट किया, और स्टार्ट करने के बाद जो कि फ्रेंड्स देख पा रहे हो, आइडियल कंडीशन में पूरा ठीक ठाक है, ठीक है, आइडियल कंडीशन में जो कि पूरा ठीक ठाक चल रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और जब हम क्या कर रहे हैं, हल्का सा थोड़ल दे रहा है, तो फ्रेंड्स चलिए एक बार फिर दोबारा स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट हम कर रहे हैं क्योंकि आइडियल कंडीशन में हल्का सा रह रहा है। तो इससे पहले क्या हो रहा था, मतलब आइडियल कंडीशन में इससे भी ज़्यादा देर तक स्टार्ट था, ठीक है। चलिए आप क्या करते हैं, हल्का सा एक्सेलेटर करके फिर देखते हैं क्या होता है। चलिए क्या हो रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है अभी ज़्यादा। और एक बार क्या करते हैं, अभी चोक दे के फिर दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। अब जब हमने चोक लगाया, चोक लगाने के बाद क्या हो रहा है, हम थोड़ा सा एक्सीलेटर करेंगे, देखो अभी क्या हो रहा है, बंद पड़ जा रहा है, ठीक है। और क्या हो रहा है, चोक देने के बाद काफ़ी मतलब हाई आरपीएम हो जा रहा है, ठीक है। चलिए दोबारा चोक खींचने से हाई आरपीएम हो जा रहा है, ठीक है, एक बार और चोक लगा, चलो चोक को बंद कर दिया। अब क्या हो रहा है, आइडियल कंडीशन में ठीक है, ठीक है, आइडियल कंडीशन में ठीक है। फिर आप जब हल्का सा एक्सेलरेट करेंगे बंद पड़ जाएगा ये गाड़ी, तो इस तरीके से बंद पड़ जा रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है ना फ्रेंड्स, सिर्फ क्या है, कार्बोरेटर का समस्या है, मतलब प्रॉब्लम जो है। तो फ्रेंड्स प्रॉब्लम जो है आप लोगों ने देखा, और हमने क्या किया, इसमें काफ़ी देर तक लगा रहा है, सुबह से लगा रहा है, ठीक है, हमने बाहर की तरफ कुछ भी नहीं देखा। क्या देखना, जो प्रॉब्लम है सिर्फ कार्बोरेटर का है, ठीक है, जो कि हमने क्या किया था, सिर्फ जो कि स्पार्क प्लग है उन दोनों स्पार्क प्लग को चेक किया, उसके बाद जो कि एयर स्क्रू होता है इसको भी थोड़ा सा हमने एडजस्ट वगैरह किया, फिर भी प्रॉब्लम जो है सॉल्व नहीं हुआ। फाइनली हमने क्या किया था, सिर्फ इसमें जो कि ओवरफ्लो प्रॉब्लम था वो हमने सॉल्व किया, फाइनली वो तो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, और इसमें दूसरा प्रॉब्लम आ गया। तो हमने क्या किया, दो तीन बार ही, मतलब काफ़ी बार हमने खुद से कार्बोरेटर को बढ़िया से वॉश किया, अपना चेला लोग भी दो तीन बार किया, हमने हवा वगैरह मार के ना बढ़िया से क्लीन किया, जो कि कार्बोरेटर में कोई भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आया, जो कि प्रॉब्लम जो है कार्बोरेटर का है पर, ठीक है, और पेट्रोल जो है बिल्कुल क्लीन है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, दूसरा गाड़ी का एक बार कार्बोरेटर इसमें लगाएंगे, लगाने के बाद देखेंगे जो कि प्रॉब्लम जो हो रहा है बाकी में हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो चलो दूसरा गाड़ी का एक बार लगा के चेक करते हैं, और प्रॉब्लम तो आप लोगों ने देख ही लिया। तो फिलहाल अभी क्या हो रहा है, थोड़ा सा भी मतलब आइडियल कंडीशन में हल्का सा रुक रहा है, और सुबह क्या हो रहा था इससे भी ज़्यादा रुक रहा था, ठीक है, और हाई आरपीएम जा रहा था थोड़ा बहुत 3000 के 1300 के आसपास, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, बिल्कुल ही नहीं जा रहा है, एक्सेलरेटर करने पर ही पूरा बंद पड़ जा रहा है, ठीक है। तो चलो दूसरा कार्बोरेटर एक बार इंस्टॉल करके देखते हैं इसमें। तो मैकेनिक फ्रेंड्स, हमने क्या किया, इसका जो कार्बोरेटर है तो हमने लगवाया, जो कि दूसरा गाड़ी का, और ये है इसका, जो कि इसको हमने साफ साफ करके पूरा क्लीन किया, फिर भी मतलब ये साफ होने का नाम ही ले रहा है, ठीक है। जो कि ये जो है ना बटरफ्लाई, वो शायद ख़राब हो चुका है पूरा, तो फिलहाल इसको रहने देते हैं। और जो कि हमने कार्बोरेटर जो लगवाया ना फ्रेंड्स, ब्लर क्यों हो रहा है भाई, जो कि देख पा रहे हो, और ये जो है कार्बोरेटर, ये जो पीछे अपना डिस्कवर देख सकते हो 135 सीसी का, वो कार्बोरेटर हमने लगवाया, और इसमें क्या हो रहा है, पूरी तरीके से फिट नहीं हो रहा, जो कि
ये वाला जो है ये डिस्कवर का ही है और ये पल्सर का हमने लगवाया और एयर फिल्टर खुला भी है ठीक है, और जो कि यहाँ से निकल जा रहा है। तो हमने क्या किया, जो ब्लैक टेप नहीं होता अपना वायरिंग वाला, ब्लैक टेप हमने लगवा के थोड़ा सा टाइट किया ठीक है, तो फिलहाल टाइट है। तो चलिए एक बार हम एक बार देख लेते तो जो कि प्रॉब्लम जो था वो सक्सेस हुआ कि नहीं वो एक बार देख लेंगे ठीक है। तो पहले हम लोगों ने तो देख ही लिया फ्रेंड्स, तो आप लोगों को चलिए दिखा देते एक बार। हम क्या करेंगे, एक बार हाथ से इसको थोड़ा सा इस तरीके से कस कर रखेंगे, नहीं तो ये जो कि अपना जो कंप्रेसर होता ना उसके वजह से निकल सकता है। चलिए क्या करते हैं, इसको पकड़ के रख के एक बार स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। चलिए चलिए बेटा, चलो स्टार्ट करो। देखो स्टार्ट बढ़िया से हो रहा है। अब चलिए क्या करते हैं, हाई आरपीएम देते हैं एक बार ठीक है, टोटल देते हैं। काफी बढ़िया से अभी ले रहा है ठीक है, जो कि हमने क्या किया जो कार्बोरेटर है वो छोड़ दिया। चलिए एक बार स्टार्ट करके एक्सलेट करते हैं। जो कि प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो चुका है, मतलब प्रॉब्लम जो है सिर्फ क्या है, कार्बोरेटर का प्रॉब्लम है ठीक है, एसी का प्रॉब्लम है। हमने क्या किया, सिर्फ इसको खोल के काफी बढ़िया से वॉश करना चाहा तो वॉश किया हमने, तो उसके बाद भी काम नहीं बना और इसमें काफ़ी ज़्यादा कचरा भरा हुआ था ठीक है। तो फाइनली हम लोग कंफर्म हो चुके हैं जो कि प्रॉब्लम जो है कार्बोरेटर का प्रॉब्लम है ठीक है। तो हमने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ ये शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग भी काफ़ी परेशान हो सकते हो और हमने भी काफ़ी परेशान हुए इस गाड़ी में, सुबह से शाम तक लगे रहे सिर्फ कार्बोरेटर वॉश करते करते ठीक है। सिर्फ कार्बोरेटर वॉश करके हमने सुबह से शाम तक बिता दिया। और फ्रेंड्स इसमें जो प्रॉब्लम हो रहा है वो सिर्फ कार्बोरेटर का ही है ठीक है, ना कि स्पार्क प्लग टाइमिंग ठीक है और सीडीआई वगैरह का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बस कार्बोरेटर का प्रॉब्लम था वो हमको पता था ठीक है। तो हमने क्या किया, फाइनली कार्बोरेटर एक कहीं से अजार करके फिर इंस्टॉल किया ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या किया जाता है, इसको फेंकना पड़ेगा क्या क्या करना पड़ेगा, जो भी होगा आप लोगों को बताएंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देख सकते हो हमने क्या किया, जो कार्बोरेटर है वो हम लेकर आए और ये तो खराब वाला था, ये भी दिखाएंगे कि अंदर में क्या है क्या नहीं है ठीक है। तो पहले हम पुराने वाले दिखा देते हैं आप लोगों को, जो कि हम परचेस करके लाए और ये पुराना लाया हमने ठीक है। तो नया इसका जो एमआरपी था, जो नया का रेट जो है वो 2700 के आसपास है और हम कस्टमर से बात करके फाइनली पुराना लगा रहेगा इस ठीक है। तो कंडीशन इसका ठीक ठाक है, मतलब वॉश करना हुआ देख सकते हो, ये जो बटरफ्लाई है ये भी मतलब वर्किंग है काफ़ी बढ़िया से, और इसका जो है ये थोड़ा सा खराब है और ये ज़्यादातर खराब होता है ठीक है। तो चलो इसको खोलते हैं और बढ़िया से वॉश करने के बाद हम देखते हैं फाइनली काम बनता है कि नहीं। और फ्रेंड्स इसका चोक अगर देखोगे, इसका केबल वाला चोक है ठीक है, इसका जो चोक है ये ओल्ड मॉडल का चोक है ठीक है। पल्सर में दो ही मॉडल आता है, जो कि ये जिस तरीके से केबल वाला चोक है और ये जैसे कि देख सकते हो लीवर वाला है ठीक है। तो फाइनली हम ये खोल कर इसमें लगाएंगे तो ये फिट हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो चलो क्या करते हैं, इसको फाइनली पहले वॉश करते हैं काफ़ी बढ़िया से। और एक चीज़ देखो, ये सेंसर जो है, ये सेंसर भी हम खोल लेंगे यहाँ से, जो कि खोला जाएगा आसानी से, खोलकर हम इसमें लगाएंगे, जो कि ये हम लेकर आए अभी, और कंपनी भी सेम है देख सकते हो, देख पा रहे हो फ्रेंड्स। तो चलो फाइनली काफ़ी बढ़िया से वॉश करते हैं इसको और एक बार, और वॉश करने के बाद इंस्टॉल करके आप लोगों को दिखाता हूँ प्रॉब्लम फाइनली सॉल्व हुआ कि नहीं। तो फ्रेंड्स हम क्या कर रहे हैं, तो पहले ऊपर से हमने वॉश किया देख सकते हो, कुछ जिस तरीके से हमने ऊपर से वॉश किया। आप क्या करेंगे, खोलेंगे ठीक है, नहीं तो क्या होता है कुछ बार जो कि ऊपर का कचरा होता है वो अंदर चला जाता है ठीक है। तो चलो आप क्या करते हैं, ये जो है ये वाला हिस्सा हम खोलते हैं, खोल के फिर देखते हैं इसका जो जेड वगैरह है वो कैसा है ठीक है। तो फाइनल देख पा रहे हो हमने खोला है इसका जो जेड वगैरह है, जो कि चलो अंदर वाला जेड खोलते हैं और देखते हैं बढ़िया से, वैसे ठीक ठाक है, ज़्यादा कचरा भी नहीं है अंदर में। चलो और खोलते हैं और देखते हैं अंदर का दोनों जेट खोल के, और ये देखो भाई पुराना कार्बोरेटर है वो थोड़ा सा गंदगी अंदर में होगा, हमको क्या करना होगा, क्लीन करना होगा ठीक है, पुराना कार्बोरेटर है भाई क्या करें। तो मैकेनिक फ्रेंड्स ये है जेट देख सकते हो, और जो कि जेट जो है बिल्कुल क्लियर है, देख पा रहे हो अंदर से होल जो है, बड़ा वाला जेट को देखो, देख पा रहे हो पूरा क्लियर है, और छोटा वाला जेट भी क्लियर है ठीक है। चलिए मैं छोटा वाला जेट को एक बार दिखा देता हूँ, और इसका थ्रेड जो है वो थोड़ा सा खराब है, मतलब चल जाएगा ठीक है। और जेट जो होता है वो किस तरीके से चेक करना होता है वो मैं अभी बता देता हूँ फ्रेंड्स ठीक है।
जैसे कि इसको मुंह में लेना होता है, लेने के बाद हवा मार के फिर देखना होता है। जैसे कि ये है छोटा जेट, हमको चेक करने के लिए कुछ इस तरीके से लेना होता है, फिर ऐसे फूम ऑन होता है, जैसे कि आवाज आ रहा है फ्रेंड्स, आवाज आ रहा है ना। तो ये है जैसे कि देख पा रहे हो, ये है बटरफ्लाई, ठीक है। हल्का सा ये खराब हो रखा है, मतलब ये चल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। और जो है पुराने वाला है, इस गाड़ी का जो था वो एक बार दिखा देता हूँ, और ये कंडीशन भी आप लोग देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये है इसका पुराना वाला जो कार्बोरेटर है, जो कि गाड़ी में जो लगा हुआ था, ये है, और इसका कंडीशन देख सकते हो, ठीक है। हमने क्लीन कर करके कार्बोरेटर को थक गए, ठीक है। और ये कंडीशन इसका देखो, ज़्यादातर क्या होता है, यही ख़राब होता है फ्रेंड्स, ठीक है, ज़्यादातर यही ख़राब होता है, जो कि ये इसका आप लोग भी अंदाज़ा लगा सकते हो जो कि क्या ख़राब हो सकता है इस गाड़ी में। और हमने पहले ही बताया आप लोगों को, जो कि प्रॉब्लम जो था वो सिर्फ कार्बोरेटर का था, और हमने सुबह से शाम तक सिर्फ कार्बोरेटर के पीछे ही लगा रहा है, और कुछ भी छेड़खानी हमने नहीं किया, और आप लोगों ने भी देखा जो कि प्रॉब्लम जो है कार्बोरेटर का ही है, ठीक है। कार्बोरेटर होता है एक्चुअली, तो मैं इसको शॉर्ट में कह रहा हूँ आप लोगों को, तो देख सकते हो आप लोग। तो चलो इसको फिट करते फाइनली। तो दोस्तों फाइनली हमने क्या किया, जो कार्बोरेटर है उसको हमने बढ़िया से क्लीन करके दोबारा इंस्टॉल किया, और ये था उसमें पुराने वाले में, जो कि हमने इसमें खोल के लगाया, और ये सब कुछ हमने काफ़ी बढ़िया से लगवाया। बस चौक जो है वो इसी का है, पुराने वाले का, वो हम खोल के लगा देंगे, जो कि ये है, कोई दिक्कत नहीं। और फ्रेंड्स ये देख सकते हो जो कि बटरफ्लाई है वो खराबी है। तो चलो अब क्या करते हैं, बस स्टार्ट करके देखते हैं। तो वैसे मैंने स्टार्ट किया, फिर भी वहीं के वहीं बस प्रॉब्लम ही है, ठीक है। तो आप लोगों को एक बार मैं सोचा क्यों ना दिखा दूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हो हमने क्या किया, स्टार्ट किया गाड़ी को, और आइडियल कंडीशन में बिल्कुल ठीक ठाक है, ठीक है, हमने चोक भी नहीं दिया। तो चलिए थोड़ा सा आरपीएम को बढ़ाते हैं, आरपीएम थोड़ा सा हाई कर दिया हमने, और क्या करते हैं अभी एक्सलेट करते हैं। हल्का सा दे रहा हूँ, उसी पे भुक कर रहे हैं, देखो बंद हो जा रहा है। देखो आ रहे हो फ्रेंड्स, जो कि जो ये कार्बोरेटर है ये भी पुराना ही है, तो ये तो शायद ख़राब नहीं हो सकता, फिर भी प्रॉब्लम हो रहा है अभी भी। और अभी क्या करते हैं, चोक दे के एक्सलेट करते गाड़ी का। देख सकते हो हमने क्या किया, फुल थ्रॉटल पे मतलब चोक दे दिया, उसके बाद एक्सलेट करते हैं। देख पा रहे हो, चोक देने के बाद क्या हो रहा है, गाड़ी अपना जो है वो फिर भी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो कार्बोरेटर है ये प्रॉब्लम हो रहा है, पर मैकेनिक फ्रेंड्स हमने डिस्कवर गाड़ी का कार्बोरेटर लगा के देखा, काफ़ी स्मूथ हो गया था, जो कि प्रॉब्लम ना के बराबर था, मतलब है ही नहीं था, जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया था जब हम डिस्कवर गाड़ी का कार्बोरेटर लगाए थे, ठीक है। तो फाइनली हमने क्या किया, फिर दोबारा जो कि सेकेंड हैंड खरीद के लाया, जो कि यार स्क्रू वगैरह हमने सब कुछ एडजस्ट वगैरह करके भी देखा, और इसका जो बटरफ्लाई था वो भी तो सही था, ठीक है। पर कोई नहीं, देखते हैं इसको क्या किया जाता है, और जो भी प्रॉब्लम होगा आप लोगों को शेयर करेंगे, ठीक है। क्योंकि इस गाड़ी में, इस कार्बोरेटर में हम बहुत मेहनत कर चुके हैं, और जो कि प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व बिल्कुल भी नहीं हो रहा, ठीक है। द नेक्स्ट डे, तो मैकेनिक फ्रेंड्स फाइनली ये जो पल्सर है, कार्बोरेटर का जो दिक्कतें था वो सॉल्व हो चुका है, ठीक है। हमने क्या किया, लगातार दो दिन इसमें लगा रहा इस गाड़ी में, जो कि देख सकते हो ये पल्सर सिर्फ क्या प्रॉब्लम हो रहा था, ऑफ फ्लो हो रहा था, ऑफ फ्लो के वजह से हमको कार्बोरेटर चेंज करना पड़ा। तो प्रॉब्लम क्या था आप लोगों ने देखा पूरा वीडियो, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए हमने क्या किया, जो कि इस गाड़ी का जो कार्बोरेटर था वो तो खराब ही निकला, जो कि इसका ऑफ फ्लो हो रहा था, पहले गाड़ी का है ये कार्बोरेटर, जो कि हमने चेंज किया, जो लेकर आया एक पुराना वो भी प्रॉब्लम निकला है, पर ऊपर से देखने में काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छा कंडीशन था, ठीक है। पुराना कार्बोरेटर जो हमने परचेस करके लेकर आए थे, ठीक है, वो एक कहावत नहीं है, हर चीज़ चमकता हुआ सोना नहीं होता, इस तरीके से बात है, ठीक है। जैसे क्या था, वो ऊपर से काफ़ी चमकेदार मतलब चमकता हुआ कार्बोरेटर था, वो हमने लेकर आया और इंस्टॉल किया,
काफ़ी बढ़िया से वॉशिंग करके, फिर भी काम उसमें नहीं बना। तो फिर हमने क्या किया, हाँ फ्रेंड्स हमको पता था कार्बोरेटर का ही दिक्कत है और कुछ भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फाइनली फिर हमने खोला कार्बोरेटर को, फिर साफ किया, फिर लगाया, फिर साफ किया, ऐसे दो तीन बार किया, फिर भी काम नहीं बना। तो फिर हमने क्या किया फ्रेंड्स, गाड़ी को हम लेकर गए जहाँ पे पुराना सामान मिलता है वहाँ पे लेकर गए। लेके जाने के बाद हमने खुद गाड़ी में इंस्टॉल करके दो तीन कार्बोरेटर इंस्टॉल करके देखा। देखने के बाद ये जो कार्बोरेटर है ये फाइनली इसमें सक्सेस हुआ है, ठीक है। और इसको हमने वॉश भी नहीं किया, मतलब ठीक ठाक है, चल रहा है। चलिए एक बार क्या करते हैं, आप लोगों को स्टार्ट करके दिखा दूँ कंडीशन जो है कार्बोरेटर का और गाड़ी का, वो प्रॉपरली मतलब सही हो चुका है, ठीक है। चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं गाड़ी को। देख सकते हो गाड़ी अपना स्टार्ट हो चुका है और जो थोड़ा है फुल ले रहा है, ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ दोबारा, ट्यूनिंग को थोड़ा सा हाई कर देता हूँ हल्का सा, ठीक है। और चलो एक बार थोड़ा देते हैं गाड़ी का, ठीक है। और चौक हमने पुराना वाला का लगवाया, चलिए एक बार थोड़ा देते हैं फ्रेंड्स। देख सकते हो प्रॉब्लम फाइनली सॉल्व हो चुका है, दो दिन इसमें लगा रहा, दो दिन अपना दिमाग खराब हो चुका है इस गाड़ी में सिर्फ कार्बोरेटर के चक्कर में, ठीक है। और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी में फ्रेंड्स, देखो अपना गाड़ी सक्सेस हो चुका है, ठीक है। जो कि अब चलिए आइडियल कंडीशन में भी ठीक है, और हमने फर्स्ट कवर भी लगवा दिया वहाँ पर। और ये जो सेंसर है यहाँ पर, ये जो सेंसर ये हमने खोल के रखा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये जो सेंसर है कोई दिक्कत नहीं, इसको हम खुला रहने देंगे, ठीक है। तो चलो आरपीएम को हल्का सा लूज करते हैं। देखो एक एक साउंड आ रहा है और पिकअप वगैरह सब कुछ सही है, हमने चला के देख लिया। चलिए बंद कर देते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलो, अगर इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर देना, थोड़ा सा भी अच्छा लगे अपने दोस्तों के साथ, भाई बहन के साथ, ठीक है। अगर कोई मैकेनिक जान पहचान हो उसके साथ शेयर भी कर देना, ठीक है। क्योंकि ये जो वीडियो था काफ़ी यूजफुल था और काफ़ी कुछ सीखने के वाला वीडियो है, ठीक है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स।